नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डी लोरा टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डी लोरा टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और डी लोरा टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि डी लोरा टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डी लोरा एक ब्रांड नेम है। डी लोरा टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन डेस्लोराटाडीन 5 mg होता है। डी लोरा टैबलेट एक एंटीहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है। डी लोरा टैबलेट का उपयोग सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। सर्दी, जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आँखों से पानी आना, आँख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए डी लोरा टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर त्वचा पर रैशेस होने पर और त्वचा पर खुजली होने पर भी डी लोरा टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। मधुमक्खी या किसी अन्य कम जहरीले जानवर के काटने की वजह से हुई त्वचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर डी लोरा टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में डी लोरा टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में डी लोरा टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन होना, सिरदर्द होना, शरीर में थकान होना, नींद अधिक आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स डी लोरा टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि डी लोरा टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। डी लोरा टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को डॉक्टर डी लोरा 2.5 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर डी लोरा 5 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। डी लोरा टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि डी लोरा टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डी लोरा टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को डी लोरा टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आती है तो ऐसे व्यक्तियों को डी लोरा टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि डी लोरा टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि डी लोरा टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को डी लोरा टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए डी लोरा टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर स्तनपान करा रही महिलाओं को डी लोरा टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डी लोरा टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।